सागर लोकायुक्त टीम ने छतरपुर सहकारिता विभाग के घूसखोर निरीक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घूसखोर निरीक्षक नमामि शंकर अग्रवाल द्वारा बम्हूरी समिति प्रबंधक अरविंद व्यास से नियुक्ति कराने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। फरियादी ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त को की। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर घूसखोर निरीक्षक को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई गई। पीड़ित अरविंद व्यास आज सुबह जब घूसखोर निरीक्षक को रिश्वत की राशि देने उसके निज निवास चौबे कॉलोनी पहुंचे, तभी बाहर पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले में कार्यवाही कर रही है। आवेदक है अरविंद कुमार व्यास, ये बमोरी का समिति प्रबंधक है। इसके द्वारा शिकायत हमारे लोकायुक्त पे लिखित शिकायत की गई थी कि केसीसी लोन को लेकर के इसकी समिति में जो अनियमितताएं हुई थी उसको लेकर के इसकी जाँच चल रही है, और वो जो उसमें जांच अधिकारी हैं नमामि शंकर अग्रवाल जो सहायक सहकारिता निरीक्षक हैं उनके द्वारा उक्त जांच में सहयोग करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। और हमारे द्वारा तस्दीक किया गया, तस्दीक पर ये पाया गया कि जब मांग वार्ता रिकॉर्ड हुई है तो रिकॉर्ड के दौरान वो 25,000 रुपये की रिश्वत लेने को सहमत हो गए थे। वार्ता के समय ही इनके द्वारा 5,000 रुपये आवेदक से प्राप्त कर लिए गए थे, और आज दिनांक को 20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए इनके चौबे कॉलोनी स्थित निज मकान पे इनको पकड़ा गया है, और धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई जारी है। एक झूठी शिकायत हुई थी, उसमें हमें निलंबित कर दिया गया था प्रशासक के द्वारा, और हम कोर्ट से स्टे लाए थे अपना, तो उसमें हमसे पैसे मांगे जा रहे थे। कौन मांग रहा था? एक जाँच थी उसके और इसके, दोनों के पैसे मांग रहे थे प्रशासक और खुराना जी। कितने पैसे मांगे थे? अभी पैसे खुले नहीं थे, लेकिन पैसे मांग रहे थे कि आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।